जैसा कि विदित है कि कर्पूरी जयंती को लेकर आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस मिलर स्कूल के ग्राउंड में आप लोगों को संबोधित करेंगे और हमारे पार्टी के तमाम नेतागण, प्रमुख नेतागण माननीय अध्यक्ष जी के साथ में हैं। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वो प्रेस मीडिया को संबोधित करें। नमस्कार मीडिया के साथियों, आज इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस कार्यक्रम के संयोजक सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय यहाँ पर उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के 24 तारीख के कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, अनिल कुमार शर्मा जी, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, महामंत्री राजेश वर्मा जी, महामंत्री ललन मंडल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अमृता भूषण जी, सभी पदाधिकारीगण और सभी मीडिया के साथियों, हम लोग लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलर स्कूल के मैदान में करने आए। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमने 23 तारीख को रिजर्वेशन कराया है इसका यहां पर ठहरने के लिए। मैं यह दो प्रश्न बड़ा स्पष्ट है, आज 21 तारीख है, आज किस नियम के तहत यहां टेंट और पंडाल लग रहा है? ये गुंडागर्दी है नीतीश बाबू आपके राज में, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आपको सोचना चाहिए कि 18 साल राज करने के बाद यदि गुंडागर्दी पर उतर गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कोई बिहार की सत्तासीन पार्टी इस तरह लोकतंत्र का मजाक उड़ाए। मैं जानता हूं राजद के प्रभाव में आप काम कर रहे हैं और लालू प्रसाद जी का जब प्रभाव होगा तो स्वाभाविक है आप गुंडागर्दी पर ही उतरिएगा। आज राजनीतिक तौर पर सभी को कार्यक्रम करने का अधिकार है। हम जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के विरोधी आप रहे हैं, 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी के सबसे बड़े विरोधी पार्टी के अंदर कोई थे तो उसका नाम था नीतीश कुमार, और लालू प्रसाद जी तो उनको पूरी तरह हाईजैक करने का काम किया, कभी उनके विचारधारा पे नहीं चले, कभी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, सिर्फ अपने बढ़ाने का काम किया। और देखिए जनता दल यूनाइटेड कहती है कि हम दिसंबर माह में ही हमने आवेदन दिया था, हम 1 नवंबर को ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आवेदन दिए गए, हमको एनओसी दिया गया, शिक्षा विभाग ने पूर्ण रूप से हमको 24 तारीख के कार्यक्रम के लिए निर्देश दिया है जिला प्रशासन को कि आप पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएं। इसलिए कल हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी पटना से आग्रह किया कि कानून का राज स्थापित कीजिए, ये जो जनता दल यूनाइटेड गुंडागर्दी कर रही है इसको हर हालत में मिलर स्कूल से खाली करवाने का काम कीजिए। और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यदि लोकतंत्र की हत्या इसी तरह होते रहेगी तो हम लोग मजबूर होंगे इसी वीरचंद्र पटेल पद पर, हम पूरी कार्यक्रम को करेंगे और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने, हम लोग कार्यालय के सामने कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करेंगे। देखते हैं कितना दम है, सरकार में कितनी गोलियां चलाने की ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक सकता है। लोकतंत्र की हत्या सवाल ही नहीं उठता है कि हम खत्म होने देंगे। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं फिर से आज मिलर स्कूल के इस मैदान में कि जनता दल यूनाइटेड के लोग इस मिलर स्कूल के मैदान को खाली करें। आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं,
लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। देखिए, हम लोगों ने आग्रह किया, कानूनी व्यवस्था से आग्रह किया, हम लोगों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया, जनता दल यूनाइटेड को प्रत्येक दिन आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, तीन दिन से कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, आज भी आग्रह कर रहा हूं, हमें 24 तारीख को मजबूर नहीं किया जाए। आप मनाइए, आप मना रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप मनाने का काम कीजिए, लेकिन इतना डरिए मत। कपूरी ठाकुर जी आपके नहीं हैं, कोई विचारधारा आपका नहीं मिलता है, आप तो सिर्फ एक हैं, वन एंड ओनली वन नीतीश कुमार, नथिंग, कोई जनता दल यूनाइटेड का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं ना, कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकलता है, कभी इस पॉकेट से प्रदेश अध्यक्ष निकलता है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। और दूसरी तरफ तो कुछ कहना ही नहीं है, 27 साल से एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, और कल तक यही जदयू कहती थी कि पंजीकृत अपराधी, लालू जी का आइडेंटिफिकेशन जनता दल यूनाइटेड के लिए पंजीकृत अपराधी था। और तीसरा जो पार्टी है कांग्रेस, उसने तो लालू जी का ऑर्डिनेंस फाड़कर उनका काम ही खत्म कर दिया है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। लालू जी को जब तक कांग्रेस है तब तक दुश्मन की जरूरत नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय नेता बोल रहे हैं कि कर्पूरी के बंद से नीतीश कुमार, सबसे क्या फर्क पड़ता है, कोई इधर से इधर बैठेगा, कोई उधर बैठेगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ना इसमें, लोकतंत्र के लिए क्या हुआ, क्या नहीं क्या फर्क पड़ता है, मंत्री तो है ही, नीतीश कुमार को हिम्मत था तो इस्तीफा कराते ना, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, स्पष्ट है नीतीश कुमार जी लोकतंत्र विरोधी है, और जिस तरह उनकी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, सरदेव कपूरी ठाकुर जी ऊपर से देख रहे होंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जनता पार्टी उन्होंने बनाया था और सबके सहयोग से बनाया था, जिस तरह लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।